चलिए सीधा रुक कर लेते हैं रायपुर का। सीएम भूपेश बघेल मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और जो एक रिकॉर्ड 11 किलोमीटर लंबा चुनरी और उन्होंने भेंट किया, आज उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज से फिर 23 से लेकर 26 तक के बस्तर का दौरा, सभी अलग अलग विधानसभाओं, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर, चार विधानसभा आज दौरा होगा। आज की इस पेल में चार विधानसभा है और भेंट मुलाकात होगी लोगों से। आपके कार्यकाल में एक जो अलग टाइप का लोहंडीगुड़ा में जो इंग्लिश प्रोसेसिंग प्लांट जो चालू हो गया है जी, जिससे रोजगार भी उपलब्ध होगा जी, इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो सरगुजा में भी करने की कुछ कवायद सरकार की है क्या? लगातार चल रहा है सब जगह, जहाँ जहाँ जो चीज़ उत्पादन हो रहा है उसका वैल्यू एडिशन हमको करना है, वहाँ भी नवाचार हो रहा है। सरगुजा भी गए, बहुत सारी चीज़ें वो लोग सब नया कर रहे हैं। बस्तर में आप कोंडा गांव में कहेंगे तिखुर से आपका मिलेगा, इमली का कैंडी है, इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, महुआ का लड्डू है और झाड़ू बनाने का काम, मिलेट्स का काम, कांकेर में सीताफल का पल्प, उसी प्रकार से अब जामुन का सीजन है तो उसका भी पल्प निकालेंगे। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे उत्पाद जो हम वनों से संग्रह करते हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और ज्यादा कीमत मिल सके। भारत जोड़ो यात्रा अक्टूबर में शुरू हो रही है, अगस्त में जिला स्तरीय यात्रा शुरू हो रही है, दो यात्राएं शुरू हो रही है जी। जो नव चिंतन शिविर उदयपुर में जो निर्णय हुआ है उसका पालन होगा और भारत जोड़ो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हम लोग तो छत्तीसगढ़ में खूब पद यात्रा किए हैं, अच्छा लगेगा जब पद यात्रा में जाएंगे पूरे देश भर में और देश के विभिन्न प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और देश में होना का क्या चाहिए, उसमें विमर्श भी होगा, नई नए तथ्य सामने आएंगे और देश को एक नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष बदलने के संकेत सामने आ रहे हैं, बीते दिनों रमन सिंह लौटे हुए थे जयपुर से, उनका कहना है हर किसी ने इच्छा पाल रखी है अध्यक्ष जी का, लोगों ने कुर्ता भी सिला लिया, क्या लगता है ये दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहा है। सर 25 मई को झीरम की घटना को 9 साल पूरे हो जाएंगे, अब तक न्याय नहीं मिल पाया पीड़ितों को, और जब जांच आयोग बनाते हैं तब मसला हाईकोर्ट में चला जाता है रुकवाने के लिए, NIA से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती नहीं, दूसरा FIR दर्ज होता है तो NIA कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रत्यक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो आखिर झीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी वर्किंग प्रोफेशनल्स को जोड़ने की पहल कर रही थी, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये क्या आप लोग जो 50 वाला फार्मूला लागू किए हैं उसी का तोड़ निकालना ही क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का अब लग रहा है कि उसके साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर चुके हैं। सर वैट कम करने पर कोई निर्णय भी ले रहे हैं? देखिए निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब यह है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है, यदि वहाँ कम होता तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है, जो वेट लगा हमारे यहाँ 24% वेट है तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब